परिवर्तन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एवं शेयर कर दी। अपडेट में डॉक्टर अरुण कुमार ने कम उम्र में प्रेगनेंसी में माँ और बच्चे के लिए हो सकती है खतरनाक इन्हीं विषयों पर चर्चा किया है, तो वही ललिता कुमारी ने स्ट्रीट खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक के विषयों पर जानकारी साझा की। वाली माँ को बहुत सारे हेल्थ से जुड़ी दिक्कतों का सामना कर आँख में धुंधलापन, पैरों के संपर्क टीनेज में जितना मुमकिन हो प्रेगनेंसी खाने से आपको हो सकती है ये गंभीर बीमारियां। अगर आप इस समय स्ट्रीट फूड का आनंद लेना चाहिए, क्योंकि ये आप बाहर का खाना खा घर का साफ सुथरा खाना खाने से तो इसका असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ेगा। फुटपाथ एक ही तेल में बार बार फुटपाथ पर बनने वाले खाने में हो सकता है बाहर के खाने से आपको फुटपाथ पर कैंसर जैसी घातक बीमारी हो सकती है। मैं डॉक्टर अरुण कुमार, कम उम्र में प्रेगनेंसी माँ और बच्चे के लिए हो सकती है खतरनाक, इस तरह से रखें ख्याल। कम उम्र में माँ बनने का मतलब है 20 साल की उम्र से पहले ही गर्भ धारण कर लेना। टीनेज में ही माँ बनना माँ और बच्चे दोनों के सेहत के लिए खतरा होता है। वैसे तो किशोरावस्था में संबंध बनाना भी खतरनाक हो सकता है, लेकिन अगर संबंध बन भी जाते हैं तो गर्भावस्था में होने वाली परेशानियों के बारे में टीनेज लड़कियों को पता होने चाहिए। बहुत सारे किशोर उम्र के लड़के लड़कियां यौन शिक्षा के बारे में अधूरी जानकारी रखते हैं और इस उम्र में प्रेगनेंसी में होने वाली परेशानियों के बारे पूरी जानकारी के अभाव में उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिनके बारे में उन्हें जानकारी होना बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं कम उम्र में मां बनने वाली लड़कियों को किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कम उम्र में मां बनने में ज्यादातर लड़कियों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होने लगती है, जो लंबे समय तक रहने पर दिल को नुकसान पहुंचा सकती है, जिसकी वजह से होने वाले बच्चे की सेहत पर भी बुरा असर पड़ता है। ब्लड प्रेशर ही नहीं, कम उम्र में मां बनने पर प्रेगनेंसी डायबिटीज का खतरा भी हो जाता है, जो होने वाले बच्चे तक पहुंच सकता है। इसके अलावा भी कम उम्र में प्रेगनेंसी से सेहत को और भी कई तरह के नुकसान हो सकते हैं। हो सकती है प्रीमैच्योर डिलीवरी। अगर लड़कियां कम उम्र में मां बनती है तो उसके साथ ये समस्या अक्सर सामने आती है, उन्हें प्रीमैच्योर डिलीवरी का सामना करना पड़ सकता है, जो जज्जा और बच्चा दोनों के जान के लिए खतरा होता है। वहीं इस उम्र में बच्चे को ठीक से पोषण ना मिलने की वजह से बच्चा कम वजन का हो सकता है, जिससे उसकी सेहत पर बुरा असर पड़ता और गर्भ में ठीक से विकास भी नहीं हो पाता है। बच्चे के मानसिक विकास पर असर पड़ता है। टीनेज में मां बनने से बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास पर असर पड़ता है और बच्चे अक्सर मानसिक रूप से विकृत पैदा होते हैं। इन सब के साथ ही होने वाली माँ को बहुत सारे हेल्थ से जुड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कम उम्र में माँ बन रही हैं तो लड़कियों को कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पूरे तरह से डॉक्टर की सलाह पर रहें। पेट में दर्द, उल्टियां, आंख में धुंधलापन, पैरों में सूजन या वजाइना से ब्लीडिंग जैसी परेशानी हो तो तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क करें। टीनेज में जितना मुमकिन हो प्रेगनेंसी से बचने की कोशिश करें, लेकिन अगर ऐसा होता है तो अपनी सेहत का पूरी तरह से ख्याल रखें। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। नमस्कार। बाहर के खाने से आपको हो सकती है ये गंभीर बीमारियां। स्ट्रीट फूड खाने से में तो स्वादिष्ट होता है, लेकिन ये स्वास्थ्य के लिए उतना ही खतरनाक होता है। अगर आप स्ट्रीट फूड खाने के शौकीन है तो आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आपको कम मात्रा में स्ट्रीट फूड का आनंद लेना चाहिए, क्योंकि ये आपको गंभीर रूप से बीमार कर सकता है और बैठे बैठे कई बीमारियां भी दे सकता है। बाहर का खाना खाने वाले लोगों को पेट से लेकर डायबिटीज तक कई बीमारियों
का सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं ज्यादा बाहर खाने से आप किन बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। पेट का संक्रमण, घर का साफ सुथरा खाना खाने से पेट के साथ ही मन की तृप्ति भी होती है। अगर आप रोज बाहर का खाना खाएंगे तो इसका असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ेगा। फुटपाथ पर बनने वाले खाने से आपके पेट में संक्रमण हो सकता है। यह खाना गंदे पानी के साथ ही एक ही तेल में बार बार बनाया जाता है। मसाले से लेकर हर सामग्री मिलावटी होती है। हाइपरटेंशन, फुटपाथ पर बनने वाले खाने में नमक की खूब मात्रा होती है। ज्यादा नमक खाने से हाइपरटेंशन का खतरा हो सकता है। बाहर के खाने से आपको एसिडिटी की समस्या हो सकती है। इसके अलावा फुटपाथ पर बनने वाले खाने से आपको जल जनित संक्रमण भी हो सकता है। इसमें डायरिया और कॉलरा शामिल है। ब्लड शुगर एवं डायबिटीज, फुटपाथ पर बनने वाले ज्यादातर खाने में मैदे का इस्तेमाल होता है। मैदा स्वास्थ्य के लिए जहर माना जाता है। मैदे से ब्लड शुगर से लेकर डायबिटीज एवं हार्ट की गंभीर बीमारियां हो सकती है। कैंसर, फुटपाथ पर बनने वाले खाने से आपको कैंसर जैसी घातक बीमारी हो सकती है। यह खाना एक तो खूब देर तक तला जाता है और ऊपर से इसमें धूल मिट्टी भी मिलती रहती है जो कैंसर का कारण बन सकती है। आपने अक्सर फुटपाथ पर बनने वाले पकौड़ों और समोसों को देखा होगा। इन्हें कई कई बार तला जाता है और ऊपर से बिना ढके भी रखा जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद।